Good morning students. Today I will teach you EVS. आज हमारा टॉपिक है पीपल एट वर्क. हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं या फिर कोई किसी को देखा होगा आपने कोई पढ़ाने जाता है, किसी को देखा होगा जो आपका इलाज करता है. तो ये हर पीपल हर पर्सन अलग अलग वर्क करते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है. इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. जैसे कि सबसे पहले आपको लिया है डॉक्टर और टीचर. आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर कहाँ वर्क करते हैं, आपको कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल में. जितने भी सिक पर्सन होते हैं, बीमार लोग, इनका इलाज कहाँ होता है? हॉस्पिटल में. यानी डॉक्टर्स और नर्सेस के टीम का इलाज करते हैं. इनको पहले अच्छे से डॉक्टरी जाने के लिए करते हैं, कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, और नर्स आपका देखभाल करती है, आपकी केयर करती है. तो ये आपका हो गया आपकी डॉक्टर्स में काम मिलेंगे हॉस्पिटल में. डॉक्टर्स आप कैसे पहचानते हैं कि वो डॉक्टर्स हैं? उनका यूनिफॉर्म क्या होता है? हर पर्सन का यूनिफॉर्म भी उनके वर्क के हिसाब से अलग अलग होता है, ताकि उन्हें आसानी से पहचान सके. तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो व्हाइट कोट पहनते हैं, और ब्रॉन जिसे बोलते हैं, और स्टेथोस्कोप जिसे आला कहा जाता है वो अपने कान में लगाते हैं. आपने ऐसे देखा होगा डॉक्टर्स को. ये है आज के टॉपिक का फर्स्ट ऑफ ऑल. ये टॉपिक था डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था. सेकेंड क्या है? टीचर. टीचर के बारे में अच्छी तरह से बता लेंगे. जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको कौन पढ़ाएगा? स्कूल में हमें टीचर्स पढ़ाते हैं. मैम और सर जो है उन्हें क्या बोलते हैं? टीचर. मैं आपकी क्या हूँ? टीचर. मैं आपको क्या करती हूँ? टीच करती हूँ, इनकी पढ़ाती हूँ. आपके कई सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं. कोई टीचर मैथ्स पढ़ाएंगे, कोई इंग्लिश पढ़ाएंगे, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई हिंदी पढ़ाएगा. तो ये रहा टीचर्स. टीचर्स का भी अपना बोर्ड ड्रेस होता है, उनके पास भी लगे